हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एनएल स्पोर्ट्स और मैं हूं रवि। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से पूरी दुनिया में क्रिकेट ठप पड़ी हुई है। इसके बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया ने भारत दौरे का कार्यक्रम निर्धारित कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ होने वाली T20 वनडे और टेस्ट सीरीज के लिए कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है, जिसमें तारीखें और वेन्यूज भी शामिल हैं। लेकिन BCCI इसमें बदलाव कर सकती है। क्या है लेटेस्ट अपडेट, आइए आपको बताते हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने जो दौरे का स्केड्यूल जारी किया है, उसके मुताबिक भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया में 11 अक्टूबर से 3 मैचों की T20 सीरीज खेलेगी। हालांकि BCCI के एक अधिकारी ने संकेत दिए हैं कि इस T20 सीरीज का कार्यक्रम बदला जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक BCCI के अधिकारी का मानना है कि अगर T20 वर्ल्ड कप कोरोना वायरस की वजह से रद्द होता है, तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड इस विंडो का इस्तेमाल IPL आयोजित करने के लिए कर सकता है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज का स्केड्यूल बदला जा सकता है। BCCI अधिकारी ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज टेस्ट और वनडे सीरीज के बाद भी हो सकती है। चलिए अब आपको बताते हैं कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भारत दौरे का जो कार्यक्रम तय किया है, उसकी तारीखें क्या क्या हैं और वेन्यूज कौन कौन से हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की ओर से जारी कार्यक्रम के मुताबिक भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला T20 मैच ब्रिस्बेन में 11 अक्टूबर से खेला जाएगा, दूसरा T20 कैनबरा में 14 और तीसरा T20 17 अक्टूबर से एडिलेड में होगा। हालांकि BCCI अधिकारी के ताजा बयान के बाद ऐसा लग रहा है कि अब शायद ही टीम इंडिया अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया जाए। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टेस्ट ब्रिस्बेन में 3 दिसंबर से शुरू होगा, दूसरा टेस्ट एडिलेड में 11 दिसंबर से, तीसरा टेस्ट 26 दिसंबर से मेलबर्न में, सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच सिडनी में 3 जनवरी से खेला जाएगा। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के कार्यक्रम के मुताबिक वनडे सीरीज का पहला मैच पर्थ में 12 जनवरी से शुरू होगा, दूसरा वनडे मेलबर्न में 15 जनवरी से खेला जाएगा और तीसरा वनडे सिडनी में 17 जनवरी से होगा। चलिए अब ये भी जान लीजिए कि T20 वर्ल्ड कप को लेकर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। CA के चेयरमैन एडिंग्स पहले ही कह चुके हैं कि COVID-19 महामारी के बीच इस साल अक्टूबर नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में प्रस्तावित T20 वर्ल्ड कप का होना वास्तविकता से परे है। ICC T20 वर्ल्ड कप का आयोजन इस साल 18 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच ऑस्ट्रेलिया में होना है, लेकिन COVID-19 महामारी के कारण इसके आयोजन पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। एडिंग्स ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पत्रकारों से कहा, आधिकारिक तौर पर इस टूर्नामेंट को इस साल के लिए स्थगित या रद्द नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि हम 16 देशों को ऑस्ट्रेलिया में लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें से ज्यादातर देशों में कोरोना वायरस के मामले अभी भी बढ़ रहे हैं। ऐसे मुझे लगता है कि ये वास्तविकता से परे है या फिर ये बहुत बहुत मुश्किल होने वाला है। भारत का श्रीलंका और जिम्बाब्वे दौरा पहले ही रद्द हो चुका है और अब ऑस्ट्रेलिया के कार्यक्रम में भी बदलाव की बात कही जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे स्पोर्ट्स चैनल NM Sports को सब्सक्राइब कर सकते हैं।